एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के आई थिंक अराउंड 9 o'clock. हमने सोचा था जल्दी हम लोग चेन्नई निकल जाएंगे क्योंकि आज संडे है, एंड फिर मौका नहीं लग पाएगा जाने का क्योंकि गौरव भी निकलने वाले हैं घर से. मे बी वेंसडे को गौरव चल जाएंगे, तो अभी हमारे पास और टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग आज बाहर निकल रहे हैं. एंड मैं मे बी शायद लग रहा हूँ कि मैं नहाई नहीं हूँ, बट मैं नहा चुकी हूँ. अभी बस रेडी होना बाकी है, तो रेडी होके फिर मिलते हैं आपसे. तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से एंड चेन्नई ऑलमोस्ट टच हो चुका है, एंटर कर चुके हैं चेन्नई में. ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है. सो रहा है, ये ए सी सो रहा है, बहुत देर से नींद आ रही. अभी हमें काम है जो एक दो जगह वो करेंगे अपना. एंड खाने के लिए अभी हमने टेबल बुक करा है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन हो गया था हमारा, यहाँ जाना है वहाँ जाना है वही सब, बट फाइनल डिसाइड हो गया. एंड आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मार्केट के लिए पूरा मतलब वो इंडियन अटायर में आ रही हूँ, पूरा ये झुमके एंड चूड़ी एंड एवरीथिंग. गुड मॉर्निंग. लग गया वो अपने काम पे. हाँ ठीक है, चार्ज फुल हो गया ना वो. यहाँ क्या यही तो पड़ेगा ही. We are at Barbecue Nation right now और बहुत सालों बाद यहाँ आ रही हूँ. आई थिंक 4 साल से भी ऊपर हो चुका है, इतने टाइम बाद मैं आ रही हूँ यहाँ पे. और आज इसीलिए हमने सुबह सिर्फ चाय ली है, हमने कोई नाश्ता नहीं करा ताकि मैं अच्छे से खा सके. और राकेश को भी यहाँ पर लाना था एक बारी, उसको भी लाना था, हमारा भी मन था, तो हमने कहा चलो आज ही खा कर आते हैं. देन बट वो वेजिटेरियन वाला खाएगा एंड हम नॉन वेज वाला. काफ़ी देर अब यहाँ बैठना पड़ेगा, बस निकू परेशान ना करे, तो देखते हैं. बस खाने का वेट हो रहा है. सो जो लोग कभी बारबेक्यू नेशन नहीं गए उनको बता दूँ, ये कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट है, आप आराम से अपनी फैमिली ले जा सकते हो. यहाँ पर पर्सन चार्जेस लगते हैं, आई थिंक 800-900 इतना कुछ रहता है पर हेड. और अंदर जाके फिर बुफे सिस्टम रहता है. बुफे सिर्फ मेन कोर्स का है, आप जाओ आपको जो पसंद है आप वो उठा कर ले लो. बट जो स्टार्टिंग के स्नैक्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से लोग सर्व करते हैं, और इसमें भट्टी होती है लगी हुई, तो ये क्या रहता है आपके स्नैक्स ठंडे नहीं होते हैं और वो लोग आके सर्व करते रहते हैं जब तक आप स्टॉप नहीं बोलोगे. स्टॉप करने के बाद ही ये लोग आपको स्नैक्स सर्व करना बंद करेंगे, और उसके बाद आप जाकर अपना मेन कोर्स में जो भी लेना है वो ले सकते हो, मीठे में कुछ लेना है वो ले सकते हो. The most yummiest thing. तो थोड़ी देर के लिए व्लॉगिंग की डोर थी राकेश के हाथ में. देखो नींद आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास 1 घंटा और है, हम 1 घंटा और अभी खा रहे पे. एक चीज़ और होती है, यहाँ अगर किसी का बर्थडे होता है और अगर उन्हें केक कटिंग करना है तो जो होटल के वेटर्स हैं वो सारे वहाँ पर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से उनके लिए गाना गाते हैं और क्लैप करते हैं. तो जगह जगह टेबल पे पता चलता रहता है कि हाँ जहाँ जहाँ वो गए हैं वहाँ ज़रूर कोई ना कोई सेलिब्रेशन है. और यहाँ हैप्पी बर्थडे सुन के निकू भी खड़ा हो गया क्लैप करने के लिए. पे थी पानी पूरी और इधर पिज़्ज़ा भी बन रहा था और भी पता नहीं बहुत कुछ था. यहाँ पूरा मेन कोर्स लगा था वेज नॉन वेज, इस तरफ मीठा रखा था एंड यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर में लगी थी कुल्फी. निकाल भाग, पेटू निकाल भाग, निकाल निकाल, सांस छोड़ो सांस छोड़ो. बहुत मज़े करे हमने वहाँ पर, बहुत सारी वैरायटी थी खाने की और हमने भर पेट खाया, मतलब बिल्कुल गले तक आ रखा था खाना.
पर निकू ने बहुत इंजॉय करा, हम 2 घंटे से ऊपर वहाँ रहे और उसने बिल्कुल परेशान नहीं करा। बना रही हूँ खीर उन चावल की जो कि नवरात्रों में रखे थे पूजा पे, तो उसका एक तरह से खीर बनाकर फिर उसका प्रसाद के तरह खा लेते हैं एंड सोचा गौरव भी खा लेंगे। एंड निकू को पता नहीं कहाँ से एप्पल मिल गया और उसको हम एप्पल कभी ऐसे नहीं देते, हम उसे हमेशा कट करके छिल कर देते हैं, तो उसे पहले लगा कि ये बॉल है, उसने पहचाना ही नहीं कि एप्पल है तो उसे फेंक रहा था। फिर हमने उसे खाना बताया कि ऐसे खाते हैं, उसके बाद उसने आधे एप्पल से ज़्यादा खा लिया और जबकि उसने आधे घंटा पहले ही खाना खाया हुआ था। फिर हम थोड़ी देर बाहर वॉक करने के लिए निकले। आली आली बाबा, उछल क्यों रहा है? देखो पेटू का है, पेटू देखो, वेज हेड, हेड का है हेड। अच्छा चला गया। ये है रोलर, इससे हमारे ये पूरा बैडमिंटन कोर्ट पे चलेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा इसका ग्राउंड। और ये बहुत हैवी है। और निकू का किस करने का तरीका, जोर से कान खींचता है अपने तरफ को और फिर किस करता है। तो हम लोग अभी बैठे हैं बाहर, लास्ट मोमेंट, गौरव कल सुबह चले जाएंगे तो लगा था कि बाहर चलते हैं, बाहर बैठते हैं है ना, पापा के साथ बैठेंगे, पर पापा फोन में इतने बिजी हो रखे हैं, फोन पे फोन आ रहा है। हाँ जी, और ये अभी कुछ आ रखा है, सामान आ रहा है, देखते हैं अभी, फ्लिपकार्ट की तरफ से है। और ये था हमारा नया फर्नीचर, इसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, इसको आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद निकू को हमने राकेश के पास दे दिया और हम पैकिंग करने लग गए। तो गौरव ऑलमोस्ट 4 साल बाद कहीं ड्यूटी पे जा रहे हैं ऐसे स्टे के लिए, मतलब 10 दिन के लिए जा रहे हैं, और इसके लिए काफ़ी सारा सामान पैक करना था, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस, उसके साथ शूज़, फॉर्मल इनफॉर्मल, बाप रे। तो बस वही सब कोशिश करते हैं कम से कम जगह में पैक हो जाए। तो इसमें गौरव की वर्दी, सीवीज और शूज़ सारे ब्लैक ब्राउन और ये सारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब कुछ डाला, और जो बाकी का लाइक टी शर्ट जीन्स वगैरह थी वो सब हैंडबैग वाले में रखा। सो ये मिठाई मैंने बनाई थी आज, पंजरी जो कि जन्माष्टमी पे बनती है। गौरव ने बोला ये अच्छी लगती है तो सिर्फ वरना इसे जन्माष्टमी पे बनाती वैसे ही बनाया कर, तो इसलिए आज मैंने बनाई है। इसको इसमें डालकर ना थोड़ा फ्रिज में रख दिया था, तो अभी इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, दिख रहा है, ऐसे हल्का हल्का लाइंस लगा दी थी, देन इसे फ्रिज में रख दिया था, तो आप इसे पीसेस निकाल लेती हूँ।
तो दोबारा तो नींद आने से रही, तो इसीलिए जितने देर मॉर्निंग में निकू नहीं उठा था मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करी एंड इसके बाद निकू उठ गया था, तो बस उसके साथ बाकी का दिन इतना ही था मेरे आज के वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इन फ्रंट ऑफ इट ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।